तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लखनऊ में पीएम मोदी ने मंच के बजाय बच्चों के बीच किया योग। सीएम योगी और राज्यपाल राम नाईक समेत 55,000 लोगों ने बारिश के बीच लगाए योगासन। लखनऊ में राज्यपाल राम नाईक और सीएम योगी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों ने भी योग दिवस में योगासन किए। बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह बना रहा। लखनऊ में योग दिवस पर पीएम मोदी ने कहा, दुनिया में योग के जरिए लोगों को मिल रही है नौकरियां, भारत के लोगों को मिल रही है वरीयता। योग पूरी दुनिया को जोड़ने में बड़ा रोल निभा रहा है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के मौके पर लखनऊ में सीएम योगी ने कहा, योग लोगों को जोड़ने का काम करता है, योग जीने की कला सिखाती है। पीएम मोदी ने योग को पूरी दुनिया में मान्यता दिलाई। योग दिवस के मौके पर अहमदाबाद में योग गुरु रामदेव ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी को कराया योग। अहमदाबाद में लाखों लोगों ने एक साथ योग किया। अहमदाबाद में योग दिवस के मौके पर मंच पर योग कर रहे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रामदेव ने तारीफ की, कहा अमित भाई योग के जरिए अपना वजन घटाया है। अहमदाबाद में योग अभ्यास से पहले रामदेव ने की पीएम मोदी की तारीफ, बोले मोदी ने योग और आयुर्वेद को विश्व पटल पर गौरव दिया। आज मोदी जहां खड़े होते हैं वहां सारे देशवासी खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। राष्ट्रपति भवन में भी योग दिवस के मौके पर कई लोगों ने योग किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस मौके पर कहा, योग से शरीर और मन स्वस्थ रहता है, योग से मानसिक बीमारी भी दूर होती है। प्रणब मुखर्जी ने लोगों से रोज योग करने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में -25 डिग्री तापमान में आईटीबीपी के जवानों ने किया योग। बर्फ की सफेद चादर पर योग की कई क्रियाएं करते दिखे जवान। जम्मू में बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवानों ने एक साथ मिलकर योग किया। जवानों ने कई योगासन भी किए। श्रीनगर में सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्स के 1,000 जवानों ने बारिश में योग किया। कई तरह के आसन करते दिखे जवान। मुंबई में रिटायर हो चुके युद्धपोत आईएनएस विराट पर नौसेना के 1,000 जवानों ने योग किया। जवानों के परिवार ने भी योगासन में हिस्सा लिया। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी की उपस्थिति में कई लोगों ने योग किया। स्कूली बच्चे भी योग क्रियाएं करते दिखे। अहमदाबाद में योगाभ्यास कराने के बाद बोले रामदेव, समारोह में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने योग किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से डेटा लिया गया है, जल्द ही विश्व रिकॉर्ड का ऐलान होगा। समारोह में 24 अन्य विश्व रिकॉर्ड भी बने हैं। असम के नलबाड़ी में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने योग किया। सोनोवाल के साथ योग गुरु रामदेव के सहयोगी और पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद थे। जम्मू में पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने योग किया। कार्यक्रम में कई महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नागपुर के यशवंत स्टेडियम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी योग करते दिखे। गडकरी के साथ सैकड़ों लोगों ने भी योग किया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान योग मुद्रा में दिखे। उनके साथ कई और लोगों ने भी योगासन किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में लाल परेड ग्राउंड पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों और अधिकारियों के साथ किया योग। सीएम शिवराज ने सबको रोजाना योग करने की शपथ भी दिलाई। मुंबई में बॉलीवुड हस्तियों ने भी किया योग। अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा ने बीजेपी नेता शायना एनसी के साथ योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कई योगासन किए। मुंबई में समुद्र किनारे हुआ था आयोजन। पंजाब के चंडीगढ़ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कपालभाति और अनुलोम विलोम करते दिखे। दिल्ली में कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में योग करने पहुंचे एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल ने भी योग किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर में भी योग दिवस मनाया गया। यूएन में भारत के प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन समेत कई विदेशियों ने योग किया। यूपी के मथुरा में जिला कारागार में सैकड़ों कैदियों ने योग किया। योग दिवस समारोह में कई महिला और बुजुर्ग कैदी भी योगासन करते दिखे। भोपाल में राष्ट्रीय किसान महासंघ के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शव आसन कर शिवराज सरकार के खिलाफ विरोध जताया। एमपी में किसानों पर हुई फायरिंग के विरोध में शव आसन। मोदी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए यूपी के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में
कई किसानों ने NH-58 पर किया योग, किसानों के बीच सड़क पर योग करने से NH-58 हुआ जाम। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एक घर में छिपे दो आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, आतंकियों के पास से दो हथियार भी बरामद हुए। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर लगातार 10वें दिन भी दार्जिलिंग बंद, बंद और हिंसा के बीच फंसे सैकड़ों लोग दार्जिलिंग से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन इक्का दुक्का सरकारी बस के इंतजाम में सभी लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। टीम इंडिया के मुख्य कोच का पद छोड़ने के बाद अनिल कुंबले का बड़ा बयान, बोले कप्तान विराट कोहली को मेरे स्टाइल और कोच बने रहने से दिक्कत थी, इसलिए मैंने पद छोड़ा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।